तो यार आज के दिन की फर्स्ट अपडेट हाशिम नवाज के बारे में है। तो समटाइम्स हाशिम नवाज इंस्टाग्राम पे भी ट्रैक ड्रॉप करते रहते हैं जो कि एक मिनट से कम का होता है, लेकिन इस बार जो ट्रैक आने वाला है वो एक मिनट से ज्यादा का हो सकता है। हाशिम नवाज का कहना था, शुड आई मेक द नेक्स्ट इंस्टाग्राम रैप अ लिटल ओवर वन मिनट। तो अब बात कर लेते हैं उमेर के बारे में। तो उमेर की हियर देम टॉक एल्बम ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। उमेर ने लाइव सेशन में ये अपडेट दी है। इसके अलावा उमेर ने लाइव में फारी शफी के साथ भी कोलैब के बारे में बात की है, तो आप लोग भी यहाँ पे सुन लो। एल्बम ड्रॉप ऑन डिस्कॉर्ड, पहले बंद हो जाए पूरी। अभी तो मेरे एंड से पूरी बन चुकी है एल्बम, ये मैं बता रहा हूँ। एल्बम में वायस है, वायस के बगैर मैं एल्बम बनाऊंगा, ये बताओ जरा। कोलैब विद फारिश शफी, मत पूछ यार इस बारे में भी। हाँ यार, तला भाई के पास गाने सारे खत्म हो गए, कुछ बनाए नहीं रहे तला भाई, पता नहीं क्यों। अल्लाह करे बनाए तला भाई कुछ। अगली न्यूज़ की तरफ आने से पहले, चैनल के ऊपर जो 64% लोग हैं जो कि वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब कर लेना यार। तो रिसेंटली 7 जनवरी को भावलपुर में कुछ इश्यूज की वजह से वायस का कॉन्सर्ट नहीं हो पाया था और फैंस ने काफी प्रॉब्लम भी फेस की थी, लेकिन कल रात वायस ने किसी और मैनेजमेंट टीम के थ्रू भावलपुर में सक्सेसफुली शो किया है। तो वायस का कहना था, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव भावलपुर। तो इस कॉन्सर्ट में तला अंजुम ने 7 जनवरी वाले शो के बारे में बात करते हुए अपने फैंस से अपोलोजाइज भी किया था। मैं चाहता हूँ आप लोगों से कुछ बात कम्युनिकेट करूँ, इट्स अ वेरी सीरियस थिंग। द थिंग इज कि हम थोड़े दिनों पहले भी भावलपुर आए थे टू परफॉर्म। आई डोंट नो इफ यू गाइस वर देयर, सम ऑफ यू माइट बी देयर। मैं ये बात कर रहा हूँ कि आई केम फॉर यू गाइस, आई स्टिल केम फॉर यू गाइस, एंड आई विल ऑलवेज कम बैक फॉर यू गाइस। दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। आई एम सॉरी अगर किसी को ऑब्वियसली मसला हुआ होगा, जो लोग वहाँ आए थे दे वेटेड फॉर अस, वी कुडंट मेक इट बिकॉज ऑफ वेदर कंडीशंस। It was not in our, you know, circumstances. But I'm back. We're gonna party hard. Are you guys ready? तो अब बात कर लेते हैं जैस के बारे में। तो जैस ने Q&A में कंफर्म किया है कि उनकी एल्बम में एसन के साथ भी कोलैब होगा। फिर उनको कहा जाता है वायस एक्स जैस इज ऑल आई नीड RN। तो जैस का कहना है सेम हियर ब्रो। नबील अकबर के साथ भी कोलैब के बारे में जैस को पूछा गया था, तो जैस ने नबील अकबर को मेंशन करते हुए कहा है व्हाट्सएप। तो रिप्लाई करते हुए नबील अकबर का कहना था, यू वांट टू बी फ्रेंड्स विद द कर्टल। नबील अकबर ने जो Q&A रखा था उसमें उनको कहा जाता है, आई डोंट नो कौन सी बात करनी है पूरी, बट क्या चलोगे खाने हलवा पूरी। तो नबील अकबर का कहना है, कहीं तुम स्टार रैपर तो नहीं। एक्सपोलिमर डार्क का अपनी एल्बम के बारे में ट्वीट करते हुए कहना है, मोर देन मी मेकिंग द एल्बम, दिस एल्बम इज मेकिंग मी मोर। तो अब बात कर लेते हैं रिलीज्ड ट्रैक के बारे में। तो तैमूर बे की अजल एल्बम का सेकंड ट्रैक तस्वीर आउट हो चुका है, जिसको शेयर करते हुए तैमूर बे का कहना है, व्हाट इफ आई से यही लाजवाब 2 है, देन फरासत अनीस की नो टॉक नो कैपीपी का सेकंड ट्रैक यार जुदा भी ड्रॉप हुआ है फीचरिंग नसीबो लाल एंड अनुरल खालिद। नेक्स्ट ट्रैक मिस्टर मानी का है वोल्ट्रॉन। तो इन तीनों गानों के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।